लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। जय प्रभु, जय जय प्रभु। हनुमान अगला नारी की हनुमान बचाइए प्रभु। उठो हनुमान, जय प्रभु। जय हनुमान। क्या हुआ हनुमान? परमपिता, परमपिता, प्रभु, प्रभु, अबला नारी, अबला, अबला नारी की लाज, लाज, मेरे प्रभु श्री राम, प्रभु, प्रभु, मेरे, मेरे प्रभु को जाना है। अबला नारी, श्री राम, शांत, हनुमान, शांत, हनुमान, शांत, शांत, शांत हो जाओ। क्या हुआ हनुमान? क्या हुआ? परमपिता, मेरे, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु की बाल अवस्था में मैंने श्री कृष्ण उनकी बाल अवस्था मेरे प्रभु युवा श्री कृष्ण हाँ मेरे प्रभु मुरली बजा रहे थे, मुरली मेरे प्रभु बजा रहे थे हाँ। तभी किसी नारी की आर्तनाद हाँ आर्तनाद सुनाई दी, वो पुकार रही थी मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। मैंने मैंने अपने प्रभु को पुकारा और श्री कृष्ण चले गए। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हनुमान प्रभु, मैं समझ गया, मेरे मैं समझ गया पुत्र, मैं समझ गया, मेरे प्रभु मुझे मिल गए। शांत हो जाओ, शांत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हनुमान, प्रभु की लीला अपरंपार है, ये तुम्हारी भक्ति का परिणाम है जो तुम्हारे प्रभु श्री राम ने इस युग में पुनः अवतार लिया और तुम्हें श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। और जिस अबला नारी की पुकार तुमने सुनी थी वो और कोई नहीं, तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी थी। हां हनुमान, द्रौपदी। द्रौपदी मेरे प्रभु की बहन? हाँ, द्रौपदी, पांडवों की महारानी द्रौपदी, जो पांडवों के भूल के कारण संकट में फंस गई थी। भूल? संकट? ये पांडव कौन है पालक पिता? पांडव है महाराज पांडु के पांच बलशाली पुत्र, जिनका हस्तिनापुर राज्य पर न्यायिक अधिकार है, परंतु उनके चचेरे भाई कौरव उन्हें इस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात करता हूं। रहस्य की बात? हाँ हनुमान, पांचों पांडवों में सबसे बलशाली भाई है भीमसेन, जो मेरा धर्मपुत्र है। इस नाते से ये पांचों पांडव तुम्हारे धर्म भ्राता हैं। मेरे धर्म भ्राता? हाँ हनुमान, धर्म भ्राता। परंतु पालक पिता, वो इस समय कहां हैं? कौरवों द्वारा धूत के कपट जाल में फंसकर पांचों पांडव, द्रौपदी तथा माता कुंती सहित वन वन भटक रहे हनुमान। वही हुआ जिसकी आशंका थी सहदेव। हाँ नकुल, चलो। क्या हुआ नकुल? सहदेव वही हुआ जिसकी आशंका थी। ये क्या कर रहे हैं भैया? रुक जाइए भैया। हाहाहाहाहा
भैया हमें पता है आप अचूक लक्ष्य भेदी है, इसीलिए आपका बाण हमें नहीं लग सकता, क्योंकि हम आपके अनुज हैं। मुझे पता था भैया आपके अचूक बाण हमें लक्ष्य बना ही नहीं सकते। तुम दोनों मेरे अनुज हो नकुल सहदेव, जगत में ऐसे कोई भी बाण नहीं बने तो तुम्हें अपना लक्ष्य बना सके। किंतु भैया ये निर्णय कैसे हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? नकुल सहदेव, प्रणाम प्राताश्री। आयुष्मान भव। नकुल सहदेव, तुम दोनों महान हस्तिनापुर सम्राट महाराजा पांडु और महान माता महारानी माद्री के पुत्र हो, तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो। परंतु भैया आज ये निर्णय हो ही जाना चाहिए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। किंतु परंतु कुछ नहीं भैया, आप आज इस बात का निर्णय कर ही दीजिए। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, अर्जुन बाण चलाएगा और मैं भाला फेंकूंगा, तुम दोनों में से जो भी बाण या भाला पहले लेकर आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, क्यों? ठीक है? ठीक है भैया। अर्जुन बाण चलाओ। भैया भैया भैया, आपने खाली किया भैया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भैया। भैया तुमने अच्छा नहीं किया, भैया क्या अच्छा भैया तुमने। क्या है, क्या करें? चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। देखिए ना माताश्री कैसी छिटोली करते हैं। प्रणाम माताश्री। मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे साथ है। पुत्रों, मन के इन कष्टों भरे वातावरण में भी तुम्हें इस प्रकार प्रसन्न देख मेरे हृदय को शांति मिली। ईश्वर तुम्हें इसी प्रकार प्रसन्नचित रखे।
पांडवों और कौरवों का युद्ध अनिवार्य है हनुमान, इसे टाला नहीं जा सकता। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, यह एक महासंग्राम होगा। इस युद्ध में पांडवों और कौरवों के साथ साथ ब्रह्मांड के समस्त देवताओं को भी सम्मिलित होना होगा। यह निश्चित है कि इस युद्ध में पांडवों की विजय होगी, परंतु इसमें एक बाधा है। बाधा? कैसी बाधा महादेव? यदि आप कहें तो मैं इसी समय समस्त कौरवों को समाप्त कर दूं, या उन्हें इस योग्य ही न रखूं कि वो ये युद्ध कर सके। नहीं हनुमान, समय की धारा को अपने आप बहने दो, घटनाओं को स्वाभाविक रूप से घटित होने दो। बस तुम्हें इस युद्ध के आरंभ होने से पूर्व एक अति आवश्यक कार्य करना होगा। मुझे कौन सा आवश्यक कार्य महादेव? हनुमान, तुम्हें पांडवों की परीक्षा लेनी होगी। परीक्षा? पांडवों की? परंतु क्यों? हनुमान, मैं जानता हूं कि पांडव सर्वशक्ति संपन्न है, उनकी वीरता और पराक्रम अनुपम है, परंतु उनमें एक दोष है, उन्हें अपने बल पर अहंकार हो गया है, और किसी भी सच्चे वीर को अहंकारी कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए युद्ध में विजयश्री प्राप्ति के लिए तुम्हें उनके अहंकार का हरण करना होगा, इसलिए तुम्हें उनकी परीक्षा लेनी होगी। मैं जानता हूं हनुमान कि मात्र तुम ही हो जो पांडवों के बल की परीक्षा ले सकता है। जैसी आपकी आज्ञा महादेव, जैसी आपकी आज्ञा। माता श्री कहाँ है और हमारे चारों भाई दिखाई नहीं दे रहे? वे सभी व्यास मुनि के आश्रम गए हैं स्वामी। अच्छा, तो आप यहाँ अकेली हैं? जब आप यहाँ हैं, तो मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? आपका मन व्यास मुनि के दर्शन करने का नहीं हुआ? हुआ तो था। फिर आप गई क्यों नहीं? आपके लिए। यदि मैं चली जाती तब आपको कुटिया पर कौन मिलता? चलिए। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है, क्या तुम बताना नहीं चाहती हो? न बताने योग्य कोई बात नहीं है स्वामी, किंतु जो है वो मैं बता दूं तो पता नहीं आप अपने मन में क्या विचार करने लगेंगे। अब कह भी डालो, चिंता ना करो। स्वामी, आज भोर होते होते मैंने विचित्र स्वप्न देखा। कहते हैं भोर का सपना सच होता है। हाँ नाथ, मैं भी इसी अपोह में हूँ कि मैं आपसे कहूँ या ना कहूँ पता नहीं आप क्या सोचने लगेंगे। कह भी डालो। मैंने स्वप्न में देखा कि आकाश एक श्वेत वस्त्रधारी दिव्य पुरुष
धरा पर अवतरित हुआ और कहा, सुनो द्रौपदी, हिमालय के हिमसरोवर में 100 पंखुड़ियों वाला एक स्वर्ण कमल खिला है। यदि वीर भीमसेन अपने पराक्रम से वो कमल ला सके तो कौरव पांडव के युद्ध में पांडवों की जीत निश्चित है। ये कहकर वे अदृश्य हो गए। देवी, संभव है वो दिव्य पुरुष हमारा कोई हितैषी हो। मैं इसी समय तुम्हारे स्वप्न को सत्य करने के लिए हिमालय के हिम सरोवर के लिए प्रस्थान करता हूं। तो मां से कह देना वे मेरी चिंता ना करें। श्री कृष्ण आपके सहायक हो आर्य। ए वानर, अपने पूछ हटा। क्यों भाई, किस लिए? दिखता नहीं, मुझे आगे जाना है। तो जाओ भाई, मैंने कहा तुम्हें रोक रखा है। क्या तुम्हें पता नहीं किसी जीवित प्राणी को लांघना उचित नहीं माना जाता है? कृपया अपनी पूंछ हटा लो, मुझे आगे जाना है। परंतु मैं ऐसे किसी नियम को नहीं मानता, और तुम तो मनुष्य हो, क्या वृद्ध वानर की पूंछ को लांघकर नहीं जा सकते? हाँ। क्या तुम मेरी शक्ति को ललकार रहे हो? नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं, और इस समय मेरी ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है, परंतु यदि समय आया तो उसके विषय में भी सोचूंगा। दुष्ट वानर, यदि मेरे पास समय का अभाव ना होता तो तुम्हें इस उदंडता का दंड अवश्य देता। किंतु मेरे पास समय का कोई अभाव नहीं है, इसीलिए तो शांत चित से विश्राम कर रहा हूं। देखो, विवाद मत बढ़ाओ और हटाओ अपनी पूंछ। अरे भाई, मैं कहां विवाद बढ़ा रहा हूं, मैं तो यहां शांत होकर चुपचाप लेटा हूं। यदि तुम्हें इतनी शीघ्रता है जाने की तो मेरी पूंछ लांघकर चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ तो ठीक है। क्या हुआ? दृष्ट वानर, तुझे पता नहीं है कि तू किसके साथ ठिठोली कर रहा है। यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुझे उठाकर हिमालय के नीचे फेंक सकता हूं। ओ हो 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 हो, अर्थात आप इतने बलवान हैं? हाँ, चलो ठीक है, देखें तुम्हारा बल। पहले मेरी पूंछ तो उठाकर दिखाओ। हाँ, मुझे बाद में उठाना। हाँ। उठाओ मेरी पूंछ, उठाओ उठाओ उठाओ,
क्या बात है भाई जाने, इतनी व्यग्र क्यों? पांचाली क्या हुआ भीमसेन को? अभी तक नहीं लौटे। कहां से नहीं लौटे? मुझे भूल हो गई आर्य, मैंने अपने सपने को सच समझकर उन्हें सहज से दलों वाला स्वर्ण कमल लेने हिमालय भेज दिया। मुझे चिंता हो रही आर्य। मेरा भाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो कि छोटी मोटी बाधाओं से विचलित हो जाए। अवश्य कोई बड़ी बाधा आन पड़ी होगी। पांचाली, तुम माताश्री को सूचित कर देना, मैं भ्राता युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को लेकर भीम को ढूंढने जा रहा हूं। उठाओ 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 हमारी पूंछ। क्या हुआ, तुम तो मुझे उठाकर हिमालय से नीचे फेंकने का दम भर रहे थे। हाँ, मेरी पूंछ तो तुम हिला नहीं सके। तुम कहीं महाराज पांडु के महाबलशाली पुत्र भीम तो नहीं हो? हाँ मैं वही हूँ। हो अच्छा 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 अच्छा, अर्थात महान धनुर्धारी अर्जुन तुम्हारे भ्राता हैं? हाँ बिल्कुल है। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे भ्राता होंगे? होंगे क्या हैं? ओ हो अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे दो भ्राता और भी हैं ना, क्या नाम है उनका? नकुल और सहदेव। हाँ, नकुल सहदेव भी तुम्हारे भाई होंगे? बिल्कुल है। तुम इतने महान बलशाली, मेरी पूंछ नहीं हिला सके, तो फिर तुम पांचों भाई मिलकर 100 कौरव भाइयों को परास्त कैसे करोगे? हाँ, तुम हमारे विषय में इतनी जानकारी रखते हो, सच सच बताओ कौन हो तुम मायावी, बताओ। उत्तम प्रश्न है, परंतु पहले तुम ये तो सिद्ध करो कि तुम शक्ति में मुझसे श्रेष्ठ हो, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उठाओ मेरी पूंछ तो उठाओ। हाँ
हंसता क्यों है मूर्ख? महाबलशाली महान योद्धा महावीर भीम को देखिए। एक वृद्ध और निहत्थे वानर पर गदा प्रहार कर रहे हैं। ठहरो तनिक मैं भी अपना अस्त्र उठा लूं। हाँ, अब आ गया है मेरे हाथों में भी अस्त्र, परंतु अब भी अंतर है। हाँ, मैं हूं वृद्ध और तुम हो युवा, परंतु देखते हैं। करो प्रहार, करो गदा प्रहार, तनिक मैं भी तो देखूं कि तुम्हें गदा युद्ध करना आता भी है या यूं ही गदा लिए घूम रहे हो। दोस्त, लगाओ लगाओ लगाओ, और अधिक बल लगाओ लगाओ लगाओ। अनुज भीम, 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 लगाओ लगाओ लगाओ, और अधिक बल लगाओ 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 लगाओ। महाबलशाली भीम, बुरा ना मानना, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें गदा पकड़ना भी नहीं आता। भीम, मैं तो भीम। भैया, आपकी दशा? नकुल सहदेव, ये दुष्ट अवश्य कोई मायावी वानर है। दुष्ट वानर को जीवित नहीं छोड़ूंगा, बंद कर दूंगा इसका। ठहरो 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 ठहरो। मुझ पर क्यों प्रहार कर रहे हो भाई? तुम्हारे भाई महाबली भीम की यह दशा मैंने नहीं की है, वो तो मेरी पूंछ ने की है। यदि मुझे परास्त करना चाहते हो तो मेरी पूंछ को उठा लो, मैं पराजय अपने आप स्वीकार कर लूंगा। हाँ, उठाओ। एक वृद्ध वानर की असहाय बेचारी पूंछ पर प्रहार करने वालों, धर्मराज युधिष्ठर के लघु भ्राताओं, क्या यह अनीतिपूर्ण कार्य आप लोगों को शोभा देता है? हाँ, नहीं देता ना? हाँ, तो फिर रख दो अपने शस्त्र, रख दो रख दो रख दो रख दो। ये ठीक है, अब आप दोनों अपने हाथों का प्रयोग करो और इस वृद्ध वानर की पूंछ उठाओ उठाओ उठाओ। सोच क्या रहे हो?
उठाओ। अनुज भीम, भीम, अनुज भीम, उठाओ उठाओ उठाओ। धर्मराज आइए, धर्मराज आइए, मुझे आप ही की प्रतीक्षा थी। आप कौन हैं और मेरे अनुजों को इस प्रकार क्यों बांध रखा है? कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। मैंने इन्हें कहां बांधा है? मैं तो ठहरा एक वृद्ध थका हुआ वनवासी वानर। मैंने इन्हें नहीं बांधा है, वो तो इन्होंने मेरी पूंछ पर अपनी खड़क से प्रहार किया तो मेरी पूंछ ने इन्हें बांध दिया। देखिए 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 देखिए, मेरी पूंछ ने इन्हें बांधा हुआ है। मैं तो यहां चुपचाप बैठा हूं। विप्रवर, यदि अज्ञानवश इनसे कोई भूल हुई है तो मैं इनकी ओर से क्षमा मांगता हूं। महाराज युधिष्ठिर, आप ठहरे धर्मराज, सभी धर्मों के ज्ञाता, ज्ञानी, महाज्ञानी, महात्मा। आपको इतनी जानकारी तो होगी कि जो कर्म करते हैं उसका दंड उसी को भुगतना पड़ता है। यही विधि का विधान है। मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। यदि आप चाहें तो आप स्वयं अपने अनुजों को छुड़ा लें। अर्थात आप मुझे बल प्रयोग के लिए विवश कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं कौन होता हूँ आपको विवश करने वाला? हाँ, यदि आपको अपने अनुजों से इतना प्रेम है तो आप स्वयं इन्हें छुड़ा कर ले जाइए। जाइए जाइए। देखिए, मैं अपने भातृधर्म से बंधा हुआ हूँ और मुझे इनको मुक्ति दिलानी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे बल का ही क्यों ना प्रयोग करना पड़े। तो ठीक है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए। चाहिए चाहिए, कीजिए प्रयास, चाहिए चाहिए। तो ठीक है। दुष्ट वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उठाओ उठाओ उठाओ।
मुझे तो लग रहा है कहीं ये लोग संकट में ना फंस गए हो। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, मैं क्या करूं माताश्री? मेरे पुत्र इतने बलशाली हैं कि उन्हें कोई संकट पहुंचा ही नहीं सकता। किंतु माताश्री, द्रौपदी, यदि तुम्हें अधिक चिंता हो रही हो तो तुम श्री कृष्ण का ध्यान करो, वे ही तुम्हें इस चिंता से उबार सकते हैं। क्यों, जाओ। हे यदुनंदन, हे केशव, हमारी सहायता कीजिए। यदि आर्य पुत्रों पर कोई संकट आया हो तो उन्हें संकट से उबारिए, हमारी सहायता कीजिए। श्री कृष्ण हमारी सहायता कीजिए, केशव हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। गाता भीम, चिंता ना करो, मैं आ गया हूं। भ्राताओं, दुष्ट वानर, तूने मेरे भाइयों को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया है। तेरी मृत्यु मेरे हाथ सुनिश्चित है। महान योद्धा अर्जुन, मैंने सुना है कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। जगत में तुमसे अच्छा लक्ष्य भेदी कोई है ही नहीं। मैंने तो यह भी सुना है कि तुमने घूमती हुई मछली का केवल प्रतिबिंब देखकर उसकी आंखों को भेद दिया था। तो इतना तो मैं समझ ही गया कि तुम्हारे इस बाण से मेरी मृत्यु निश्चित है। परंतु मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूर्ण करनी चाहिए ना। तो मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं स्वयं अपनी आंखों से तुम्हारी धनुर्कला देखना चाहता हूं। देखूं तो सही कि तुम धनुर्विद्या में कितने निपुण हो। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे भाइयों को मुक्त किए देता हूं। ठीक है ना। हाँ तो अर्जुन, तुम मेरी पूंछ के इस सिरे को भेद करो, ये लो। देखूं तो सही कि तुम मेरी पूंछ को भेद सकते हो या नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, परंतु मेरी पूंछ का ये सिरा उसी मछली की भांति हिलता डुलता रहेगा। चलाओ 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 अर्जुन, चलाओ। चलाओ। चलाओ 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 चलाओ। कैसी रही? हाँ, अब तुम्हारा वाण तो मेरी पूंछ में आ ही गया है अर्जुन। अब इस वाण का संधान तो हो ही चुका है और ये वाण किसी न किसी के प्राण तो अवश्य हरेगा। ये बताओ, ये वाण मैं किस ओर फेंकूं? इधर फेंकूं? उस ओर? शीघ्र बताओ अर्जुन, किस ओर चलाऊं ये वाण? शीघ्र बताओ। Ha 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 ha
ये कैसी रही वानर? यदि मैं चाहता तो इस बाण से तुम्हारे वक्ष को भी भेद सकता था, परंतु मैं तुम्हें छल से नहीं मारना चाहता हूं। यदि तोड़ सकते हो तो मेरे इस बाण व्रत को तोड़ के दिखाओ। उत्तम, अति उत्तम। बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। यस! ये कैसी रही? महायोद्धा अर्जुन, लगता है तुम्हारे ये सारे वाण दिखावे के हैं, या तुम्हें धनुर्विद्या आती नहीं? रुक जाओ पास। रुद्रावतार हनुमान, आपको कृष्ण का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु प्रभु प्रभु
रुद्रावतार, अब आप अपनी लीला समाप्त कीजिए। इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ये पांचों भाई अज्ञानवश आपकी शक्ति को अनदेखा करते रहे। पांडव भाइयों यहां आओ। अपनी भूल के लिए महावीर हनुमान से क्षमा मांगो। हां, रुद्रावतार महावीर हनुमान बजरंग बली, जिन्होंने विष्णु अवतार भगवान श्री राम की सहायता कर उन्हें लंका युद्ध में विजय दिलाई, ये जिसकी सहायता करते हैं उसकी विजय निश्चित हो जाती है। संसार में हनुमान के समान महान भक्त और महावीर ना कोई हुआ है ना होगा। आओ आओ पांडव भाइयों, और अपनी भूल की लेन से क्षमा मांगो। हम सब भाइयों को क्षमा कर दीजिए हनुमान जी।